नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में OBE को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। हमने कई सारे प्रोटेस्ट आर्ट फैकल्टी के सामने किए थे, लेकिन इस अड़ियल BC के रवैये ने किसी भी प्रोटेस्ट में कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया। बच्चे हितायत हैं और बच्चे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। एक कल सुबह भी वीडियो आया था जिसमें दिव्यांशु यादव, कमल तिवारी और उनके एक साथी स्टैचू ऑफ विवेकानंद आर्ट फैकल्टी में थे और उन्होंने कहा था कि हम अगर 9 तारीख तक OBE की मांग को नहीं माना जाता है तो अपनी आत्महत्या स्टैचू स्वामी विवेकानंद के स्टैचू के सामने कर लेंगे। और मैं उन साथियों से कहूँगा कि ये संघर्ष की लड़ाई जारी रहेगी। मेरे भाइयों, आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि हमारी स्टूडेंट यूनिटी पर दाग लग जाए। आप जानते हैं JNU, जामिया, AMU, बनारस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट होते रहते हैं। उसी प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी स्टेप ना लें जिससे कि आपके जान माल को खतरा हो। मेरी हाथ जोड़कर पैर पड़कर विनती है, ऐसा कोई स्टेप ना लें। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों से कहना चाहूँगा, आप इन दोनों तीनों भाइयों का समर्थन करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि ऐसा स्टेप ना करें। और आज 8 तारीख है, किसी भी प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं, मुझे मालूम है। मुझे ये भी मालूम है कि अब आपका करियर ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपके खिलाफ FIR कर दी गई है, यूनिवर्सिटी के द्वारा कमेटी बिठा दी गई है और आपके ऊपर मेंटल प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर भी डाला जा रहा है। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अब OBE का कोई आसार बचता नहीं है। जिस तरह से डूसू ने इंटरफियर कर कर के हमारे प्रोटेस्ट को कमज़ोर किया था, एक यूनिवर्सिटी का छात्र संघ आता है और उसके अगले दिन प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाता है, ये वाकई चिंताजनक है। इतना कमज़ोर छात्र संघ शायद मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं देखा है। धन्यवाद, और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कोई गलत कदम ना उठाएं।